दो बार वो गृह मंत्री था सुदेश महतो। और इधर भारतीय जनता पार्टी अभी मुद्दा बोल रहा है कि घुसपैठिए आए घुसपैठिए आए। अरे सुदेश महतो तो गृह मंत्री था दो दो टर्म, तो आपको पता नहीं था चंपाइस के लिए शायद जिंदगी में इससे बड़ा और मैंने दुर्घटना दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। चंपाई सोरेन ने चुनाव के दरमियान जल जंगल जमीन की बात नहीं की, यहाँ के भाषा संस्कृति की बात नहीं की, और गीता कोड़ा भी वो जल जंगल जमीन की बात नहीं की। और भारतीय जनता पार्टी को सारे लोग ये जान रहे हैं कि अडानी और अंबानी के लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान दयामणि बारला है, वो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की स्थितियां जब पैदा होती हैं तो राजनीति से क्या सीखना चाहिए और क्या सबक लेना चाहिए। तो बातचीत की शुरुआत दयामणि जी हम चंपई सोरेन से करना चाहेंगे क्योंकि वह आप लोगों के बेहद नजदीक रहे, जेएमएम के नेता रहे, गठबंधन में वह सरकार में रहे, अब वह बाहर हैं, अपनी सीट जीतकर मैदान में हैं। चंपई सोरेन के सामने जो संकट पैदा हुआ है, आपको क्या लगता है यह संकट क्यों पैदा हुआ है, क्या जनता ने सबक दिया है? एक तो सबसे पहले मैं बात अपना आगे बढ़ाने के पहले मैं झारखंड सरकार जो बहुमत से बनी है अब वो सरकार इसको मैं शुभकामना देना चाहती हूँ और झारखंड के तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो समर्थक हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आपने जो सवाल किए कि चंपाई सोरेन बाबूलाल मरांडी या तो आपका सुदेश महतो, एक तो मैं ये जो आज की तारीख में इन ये जो इस राजनीति से तमाम झारखंड के नेताओं को ये समझने की जरूरत है, सबक लेने की जरूरत है कि आप अपने मट्टी से अपना जल जंगल जमीन जैसे मुद्दों से, अपने भाषा और संस्कृति जैसे मुद्दों से आप अगर अलग होंगे और जनता के जो सवाल हैं, सबको जानते हैं कि झारखंड का अपना इतिहास है, झारखंड के आदिवासियों का संघर्ष का अपना इतिहास है, और जहां पर जल जंगल जमीन के साथ अपनी भाषा और संस्कृति का अपना एक इतिहास है, संघर्ष का भी अपना इतिहास है, और हमारा हमेशा से चाहे जन आंदोलन का मुद्दा है, वो जन आंदोलन का मुद्दा भी आप देखिएगा तो वो जल जंगल जमीन ही केंद्र में रहा है, भाषा और संस्कृति ही केंद्र में रहा है। और जहां तक रोजी रोटी की बात है तो आप यहाँ पर जल जंगल जमीन के साथ विकसित होने का और अपना रोजी रोटी अर्न करने का, मैंने क्या कहेंगे उसको, अपना रोजी रोटी भी जल जंगल जमीन और नदी पहाड़ के साथ ही जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण आंतरिक रिलेशन है। लेकिन और इस मुद्दा के साथ ही हम जन आंदोलन भी हमेशा से लड़ाई जीतते आया है और इन लड़ाई में बड़े बड़े महत्वपूर्ण जो लड़ाई लड़े गए हैं झारखंड में, चाहे कोयलकारो परियोजना के खिलाफ की लड़ाई या तो नेतरहाट फिल फायरिंग रेंज के खिलाफ लड़ाई, आर्चलन मित्तल के खिलाफ, जिंदल के खिलाफ या तो राज बनने के बाद करीब आपका दर्जनों ऐसे संघर्ष हुए, जन आंदोलन हुए, सबका आधार आपका जल जंगल जमीन और यहाँ का भाषा संस्कृति ही रहा है। राजनीति भी, राज बनने के पहले भी और राज बनने के बाद भी जो भी राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर जो झारखंड को जानते हैं, नहीं भी जानते हैं, लेकिन बिरसा मुंडा का नाम हर एक राजनीतिक पार्टी लेता है और बिरसा मुंडा के नाम से ही राजनीति करता है और बिरसा मुंडा के नाम से ही यहाँ पर मैंने दुकान दौरी जैसे धंधा पानी या तो व्यापार बोलिए वो भी चलता है। तब ऐसे परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 2024 का जो चुनाव लड़ा उसमें बाहर से जितना भी मैंने उनका जो बेड़ा पार करने के लिए चाहे शिवराज सिंह चौहान को लाया, चाहे तो आप असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को लाया, उन्होंने पूरी तरह से बाबूलाल मरांडी को भी दरकिनार किया और जो चंपाई सोरेन जो आपका कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ लेके गया और लगा कि वो कोल्हान का टाइगर है, तो इनसे हम झारखंड कोल्हान क्षेत्र को हम भेद पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को ऐसी उम्मीद थी
और सिर्फ चंपाई सोरेन से उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरह से सीता सोरेन को लेके गया था आपका लोकसभा चुनाव के पहले, और गीता गोड़ा को भी लोकसभा चुनाव के पहले लेके गया था, उनको लगा कि अब हमारे पास झारखंड के करीब 7-8 दिग्गज नाम है जो कहीं ना कहीं आपका इंडिया गठबंधन से हमारे वो एनडीए गठबंधन में लेके गया है, और उसी से वो बेड़ा, उनको लगा कि हम बेड़ा पार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जहां तक मुद्दों का सवाल है, तो मुद्दों के सवाल के साथ भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान का मुंह से सिर्फ निकल रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा को गाली देना और कांग्रेस को गाली देना, बार बार वो बोल रहे थे राहुल गांधी मैंने कहता है कि हम मुसलमानों का सबको का आरक्षण छीन के मुसलमानों को देगा, और विश्व हेमंता शर्मा बोल रहे थे कि घुसपैठिए। तो यहाँ का मुद्दा तो कहीं नहीं था, नंबर एक यहाँ का मुद्दा कहीं नहीं था। और लेकिन वो नेता तो आए बोले और चले गए, हेमंत विश्व शर्मा आए बोले और चले गए, शिवराज सिंह चौहान आए बोले और चले गए, लेकिन चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो, मधु कोड़ा, सीता सोरेन, इन सबों को जनता ने जो सबक दिया है वो क्या दिया है? तो चंपई सोरेन जो कोल्हान टाइगर थे, वो कैसे कोल्हान में अपनी सीट बचाने भर के वक्त रख पाए? उसी पर मैं जा रही हूँ कि चंपाई सोरेन ने चुनाव के दरमियान जल जंगल जमीन की बात नहीं की, यहाँ के भाषा संस्कृति की बात नहीं की, और उनको बोलने भी नहीं दिया गया, और गीता कोड़ा भी वो जल जंगल जमीन की बात नहीं की, भाषा संस्कृति की बात कभी उन्होंने का नहीं की। चाहे तो आप सीता सोरेन की बात करेंगे या तो आप सुदेश महतो की बात करेंगे, ये लोग तो पूरी तरह से साइलेंट थे, पूरी तरह से साइलेंट थे, यहाँ के मुद्दों पर वो कभी बोल भी नहीं रहे थे। तब उनको ने यहाँ के मुद्दे, आप मुद्दे के साथ नहीं रहेंगे, उन मुद्दों के साथ चुनाव ये लोग नहीं लड़ा, तो और भारतीय जनता पार्टी में गए, और भारतीय जनता पार्टी को सारे लोग ये जान रहे हैं कि अडानी और अंबानी के लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, और अबू सरकार हेमंत सरकार को पूरी तरह से सत्ता से बेदखल करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ उनको तो कठपुतली की तरह लोग देख रहे थे, तो वो कठपुतली को पूरी तरह से किनारे करने का काम किया, वो आपका चंपाई सोरेन को भी किनारे कर दिया, मुश्किल से उनका अपना सीट बचा सका, और जिस के लिए आपका चंपाई सोरेन गया था भारतीय जनता पार्टी में, उसका बेटा को भी मतलब बाबूलाल के लिए वो गया था, बाबूलाल को भी तो बचा नहीं सका उसका बेटा को, और गीता कोड़ा अपना सीट नहीं बचा सकी, जगन्नाथपुर सीट नहीं बचा सकी, और ये सीता सोरेन को तो देखिए उसी समय पूरा झारखंड समझ गया था, उनका जो अपना पारंपरिक जिस विधानसभा में से वो लड़ती थी चुनाव जेएमएम से, जहां से लगातार वो विधायक रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं चाहता था कि सीता सोरेन भारतीय ये विधायक बने, वो नहीं चाहता था भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए उनका जो अपना ट्रेडिशनल जो विधानसभा था उससे अलग हटा के उनको दूसरा नया विधानसभा सीट दे दिया। तो ये इंडिकेशन था कि भारतीय जनता पार्टी सीता सोरेन को जरूर लेके गया है लेकिन नहीं चाहता है। और जहां तक आप सुदेश महतो की बात करेंगे, तो सुदेश महतो एनडीए घटक दल का एक प्रमुख लीडर थे, और वो प्रमुख लीडर होने के बाद ये आपका दो 17 साल तो भारतीय जनता पार्टी रहा, उस 17 साल में आपका लगातार आज सुदेश महतो उनके साथ एक बार आपका डिप्टी सीएम रहा और 2 बार वो गृह मंत्री था सुदेश महतो, और इधर भारतीय जनता पार्टी अभी मुद्दा बोल रहा है कि घुसपैठिए आए। अरे सुदेश महतो तो गृह मंत्री था दो टर्म, तो आपको पता नहीं था कि आपके गृह मंत्री रहते हुए झारखंड में
आपका जमताड़ा में और साहेबगंज में घुसपैठिए घुस रहे हैं, तो इसका जवाब ये जो आप जिस मुद्दे पर आप झारखंड को बर्बाद करना चाह रहे थे, सुदेश महतो को भी लोगों ने इसका जवाब दे दिया कि आप गृह मंत्री थे तब तो घुसपैठी आपको नजर नहीं आया, मतलब आप कमजोर थे और आप उस समय उन चीजों को देखे नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ कठपुतली की तरह कठपुतली बन के आप भी कह रहे हैं घुसपैठिए को की बात कर रहे हैं। और इसमें मैं हमारे नौजवान जो ये क्या है ना हाँ जेल केम उनको भी मैं धन्यवाद देना, वो उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव के समय में ही समझ में आ गया था और मैंने कई अखबार वालों ने मुझसे पूछ रहा था कि नहीं सिली का क्या होगा, मैं मेरा कैलकुलेशन सटीक था कि सिली में ये तो जयराम महतो का जो पार्टी है ना वो काटेगा तो सुदेश महतो को काटेगा, भारतीय जनता पार्टी को काटेगा, इंडिया गठबंधन को लाभ पहुंचाएगा, ये पहले से पता था और वही हुआ। और सुदेश महतो उनके साथ जाके इंडिया गठबंधन के साथ था, एक तो मुद्दा उनके पास नहीं था और उनको वो काट के निकाल दिया, उनको भी सबक सिखला दिया। सीता सोरेन सत्ता में नहीं, चंपई सोरेन अदने से विधायक जो इस सरकार में होते तो मंत्री होते, वरिष्ठ नेता थे, शिबू सोरेन के जमाने के नेता थे, लोग दादा कहते हैं उनको, अब भारतीय जनता पार्टी में उनका क्या रोल हो? देखिए भारतीय जनता पार्टी में आप क्या रोल, जहां तक रोल की बात है, इनका रोल था विधानसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उनका रोल था कि उनको स्टार प्रचारक के रूप में उतारते, जिता के ले आते। लेकिन आप तो यहाँ पर सिर्फ 24 विधायक है, 24 विधायक की 26 21 एक हाँ बस इतने हाँ मिला के हाँ तो 24 विधान 24 मतलब गठबंधन, इंडिया गठबंधन में आए हैं, एनडीए एनडीए गठबंधन में 24 विधायक आए हैं। आप या तो आपका ये तो खैर इनका तो आदि बाबूलाल मारंडी के लिए कि आप इतने सम्मानित लोग थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाने के बाद आप कहीं के नहीं रहे, जो आप पूर्व मुख्यमंत्री थे शान बान आन के साथ आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के साथ रहते तो आज कहीं ना कहीं आप को सम्मानजनक जगह आपको मिले रहता। इन तमाम नेताओं की स्थिति को देखते हुए झारखंड में अब आने वाले समय में कई नेता हैं, आने वाले समय में हर किसी के लिए सबक है कि आप अपने मुद्दों अपने पार्टी से अपने जो माटी की जो पार्टी है जो अपने भाषा और संस्कृति की आवाज उठाती है कि बात करती है और अपने इस देश की इस राज की बात करता है, इससे आप दूर हटेंगे और दूसरे लोगों के साथ आप जाएंगे, आप जो झारखंड विरोधी पार्टियों के साथ जाएंगे तो आपका यही दुर्गति होगा, इससे सारे लोगों को ये सबक मिलेगा। जी शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रही थी झारखंड की आयरन लेडी कही जाने वाली और आंदोलनकारी दयामणि बारला। उन्होंने बहुत साफ और दो टूक कहा, कथा सुनाई चंपई सोरेन की, सीता सोरेन की, मधु कोड़ा की, बाबूलाल मरांडी की और सुदेश महतो की। सुदेश महतो अपनी भी सीट नहीं जिता पाए क्योंकि जनता ने वाकई सोचा होगा तुम दो दो बार के गृह मंत्री हो भाई, और जब तुम्हारी सरकार में घुसपैठ होती रही तो अब क्या घुसपैठ रुकेगी। और यह सवाल चंपई सोरेन से भी रहा होगा और सीता सोरेन से भी कि अपने लोगों से हटकर जल जंगल जमीन के बजाय घुसपैठ के मुद्दों को अगर उठाओगे तो जाहिर तौर पर जनता साथ नहीं देगी और संभवतः यही हुआ है।